अभी रिसेंटली हमने मथुरा में जो फर्जी टीचरों की जो सहअध्यापक बेसिक शिक्षा में है उनकी भर्ती का जो घोटाला था हमने उजागर किया था। उसमें 16 लोग हमने अरेस्ट किए थे, इसमें सरकारी कर्मचारी में 4 लोकल टीचर्स भी इन्वॉल्व थे, वहाँ कनिष्ठ लिपिक भी इन्वॉल्व था और संविदा पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम करते थे वे भी इन्वॉल्व थे। इसके अलावा बाकी जो कुछ फर्जी टीचर्स हैं वो भी पकड़े गए हैं। इस समय इन्वेस्टिगेशन मथुरा पुलिस कर रही है, उनको एसटीएफ की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है एवं हमने उनको वेयर अबाउट्स की लिस्ट दे रखी है जो भी फर्जी टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें कुछ अफसर भी शामिल होने की आशंका थी कि, तो अफसरों के खिलाफ जैसे कार्रवाई की बात हो या कुछ? इसमें जो ऑफिसर्स उस समय वहाँ पर मौजूद थे उसमें बीएसए और संबंधित अफसरों को शासन और संबंधित जिला प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो रहा है। हम बाकी मथुरा पुलिस के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी कितनी है और यदि उनकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले की जांच अब लोकल पुलिस कर रही है? हाँ, फिलहाल लोकल पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मथुरा का शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर बिजली विभाग का बिलिंग घोटाला या कानपुर में बिजली विभाग के करोड़ों के सामान की चोरी का मामला, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें यूपीएसटीएफ ने शुरुआत की, छोटे कारकुनों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब एसटीएफ की जांच इस पूरे गड़बड़झाले के बड़े लोगों पर पहुंचने लगी तो उसके जांच को रोक दिया गया। कभी विभागीय कार्रवाई के बाद जांच की बात कही गई तो कभी स्थानीय पुलिस के हवाले जांच ही ट्रांसफर कर दी गई। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर घोटाले के खुलासे के बाद असल घोटालेबाजों पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे घोटालों को कैसे रोका जाएगा। ईटीवी के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।